तो इस गाड़ी में जो अब की बार भाई एसी के जो वेंट्स की डिज़ाइन दे रखी है काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाई है, और डैशबोर्ड की क्वालिटी मैं आपको बताऊँ ना तो भाई अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। आप ज़रा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटोब में। तो आ गए हैं हम ऑल न्यू मारुति की सिलेरियो 2021 मॉडल में। तो दोस्तों मैं आपको एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका चैनल में। तो वीडियो को जो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आज इस गाड़ी का हम लोग बढ़िया से एक एसी टेस्ट करने जा रहे हैं। तो गाड़ी को मैंने कर दिया स्टार्ट, और ओवरऑल जो है आप देख सकते हो कितना बढ़िया इस गाड़ी का इंटीरियर का फील है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना जा रहा हूँ। स्टेयरिंग यहाँ पर आपको बढ़िया से एडजस्टेबल प्रोवाइड किया जाता है, और जो इंजन का साउंड है मेरे हिसाब से अपने सेगमेंट में ठीक आ रहा है, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है इस गाड़ी में, और 1.2 का भी ऑप्शन आपको इस गाड़ी में ज़रूर अवेलेबल होता है। फीचर्स की शुरुआत करें ना तो इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग आरबीएम्स आप देख सकते हो इस गाड़ी में, और एक बढ़िया सा सुजुकी का स्मार्ट प्ले टच सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको नॉर्मल अदर व्हीकल्स में ही प्रोवाइड होता है। तो गाड़ी के एसी को हमने कर दिया स्टार्ट, और मुश्किल से अभी 30 सेकंड ही हुए होंगे या 40 सेकंड, तो गाड़ी के एसी ने बहुत बढ़िया वर्क यहाँ पे करना शुरू कर दिया है अपने सेगमेंट में। तो भाई जो फील आ रहा है काफ़ी सही है, और मैं आपको इसका तीन लोग को सबसे पहले आप सिलेरियो में बैठा के देख रहे हैं हम लोग कि कैसा सिस्टम आ रहा है। आप लोग ज़रा बताना मुझे। तो भाई कंफर्टेबली बैठे हुए हम लोग कंफर्टेबली, और लेग रूम भैया आपको दिखाऊं तो क्वाइट इनफ, बहुत सही है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है अगर धचका आजकल लगे तो हल्का सा टच हो सकता है, नहीं, नहीं, और कंफर्ट है। लेकिन भाई सीट्स की जो विड्थ है मेरे हिसाब से अपने सेगमेंट में ठीक है, तीन लोग आराम से बैठ पा रहे हैं। मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट की थोड़ी सी कमी यहाँ पे हमें खल रही है, एज पर ZXi मॉडल कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है न्यू सिलेरियो में बैठने के बाद। एकदम कम्फर्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब लॉन्ग जर्नीज में इस गाड़ी को कम्फर्ट बना रहेगा। तो थैंक यू का बढ़िया सा है, पीछे की रियर सीट्स का कंफर्ट भी दिखाता हूँ। तो भैया जो बैठे हैं काफ़ी सही आ रहा है इनको फील, क्यों कुणाल भैया? बिल्कुल सही आ रहा है फील। तीन लोग को हमने ज़रूर बैठा के दिखा, वो भी आपने जो है वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि इस गाड़ी में क्या है। मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ तो चार पावर विंडोज़ तो आती हैं, लेकिन इस जगह आपको दो और इस जगह दो आपको दे रखी हैं, पीछे वाली इधर दे रखी हैं। तो भाई सेंटर कंट्रोल पूरी गाड़ी हो गई है, और ये स्टेयरिंग का रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है, मतलब इट्स अ लाइट स्टेयरिंग। स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स भी रखे हैं, और आपको यहाँ पे वी कट भी देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और गाड़ी के एसी को शुरू किए हुए हो गए हैं अराउंड करीब करीब 1.5 मिनट। तो भाई गाड़ी ने ठंडक करनी शुरू कर दी है, गाड़ी के एसी को ज़रूर फुल हम लोग चलाते हैं। और ओवरऑल जो है कैसा आपको आ रहा है एसी की कूलिंग? बढ़िया आ रही है, एयर फ्लो बढ़िया है। सबसे अच्छी बताऊं तो इस गाड़ी में जो अब की बार भाई एसी के जो वेंट्स की डिज़ाइन दे रखी है काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाई है, और डैशबोर्ड की क्वालिटी मैं आपको बताऊं ना तो भाई अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। आप ज़रा हाथ लगा के देखो, काफ़ी अच्छा फील आएगा यार, सही में बहुत अच्छा प्लास्टिक इस जगह यूज़ कर दिया है, और यहाँ तो चलिए नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस जगह जो है क्रोम का यहाँ पे जो फील किया है ना काफ़ी सही आ रहा है। और इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया बनाया है, मैनुअली एडजस्टेबल गियर बॉक्स आपको इधर देखने को मिलता है, और एसी को जो ऑफ़ कर देते हैं तो इस जगह आप देख सकते हो अभी भी गाड़ी मेरे हिसाब से करीब करीब ये 2.5 मिनट अभी स्टार्ट रही है, 2.5 मिनट में इसने मुझे ठीक ठाक ठंडक देखने को मिली है। और ओवरऑल ये है द ऑल न्यू मारुति की सिलेरियो का इंटीरियर जो आपने देखा। नीचे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं भाई, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूएसबी पोर्ट, एक यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल यहाँ पे ऑक्स मिल जाता है। और इस गाड़ी में हाइब्रिड सिस्टम नहीं आता है, आई थिंक सो हाइब्रिड नहीं आएगा, माइक्रो हाइब्रिड है। माइक्रो हाइब्रिड है, तब तो बहुत सही है। और जो है सुजुकी का आपको यहाँ पे नॉर्मल मिल जाता है, हज़ार्ड लाइट इस जगह दे रखी है। MID आपको ज़रूर दिखाते हैं जो हम इस गाड़ी में बताना भूल गए थे। तो भाई नॉर्मल आपको जो है वैगनार की ZXi प्लस में मिलती है, वैगनार की ZXi में सॉरी, तो आपको सेम एज इट इज़ सेम MID यहाँ पे दे रखी है, 180 की स्पीड है, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल, यहाँ पे आपको छोटा सा RPM मीटर, और स्टेयरिंग का कंट्रोल ऐसा है। RPM मीटर डिजिटल, हाँ ये एनालॉग है और ये डिजिटल है, ओह ध्यान ही नहीं दिया भाई।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको एक ही रूफ लाइट दे रखी है, इस जगह वैनिटी मिरर, इस जगह आपको टिकट होल्डर। तो ये सब है द ऑल न्यू मारुति की सिलेरियो के इंटीरियर में। रियर सीट्स में जो है फील काफ़ी सही है जिस हिसाब से आ रहा है, और भैया को जो है लेग रूम कुछ ऐसा आ रहा है रियर सीट्स में बैठने के बाद। ये मैंने अभी जो है सीट्स पूरी पीछे अब जाके करी है, तो अब भी देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी भैया सही आ रहा है, अभी मैंने मुश्किल से 1 इंच हटाई की। और अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे आऊँ ना इतनी, तब मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा वाला लेग रूम यहाँ पे ज़रूर आपको मिल रहा होगा। बिल्कुल भाई काफ़ी अच्छा है। इस सीट्स में जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर अंदर वाली कशनिंग भी दे रखी है, जिससे आपको जो है लेग रूम में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो भाई हमने जो है एक बढ़िया सा इसका एक इंटीरियर का एक रिव्यू ज़रूर कर लिया है। लॉक एक्चुअली लॉक है, अच्छा अच्छा चाइल्ड लॉक लग दिया। तो ओवरऑल यह है अपनी द ऑल इमारती सिलेरियो। होपफुली आपने वीडियो को जो है ज़रूर पूरा देखा होगा, और वीडियो को जो है एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटो हब। और मारुति की कोई भी गाड़ी के बारे में जानने के लिए ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।